सुस्वागतम सखा, सक्सेस पथ पर आपका स्वागत है। आज हम सब लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक नंबर एनालॉजी के बारे में। पहला न्यूमेरिकल है, यदि 94 प्लस 16 इज इक्वल टू 42 एंड 89 प्लस 23 इज इक्वल टू 78, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 63 प्लस 45। देखिए है क्या इसमें, हमें जो बातें सोचनी है, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को देख के ही हमें दिख जा रहा है कि 94 प्लस 16 कभी 42 नहीं होंगे, 89 और 23 को जब हम ऐड करेंगे तो ये कभी 78 नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमें कुछ अलग से ऑपरेशंस इसमें लगाने हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो अलग से जो ऑपरेशंस हमें लगाने हैं उसी को एनालॉजी बोलते हैं, मतलब कि जो हमें दिख रहा होता है एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान कैसे देंगे, कैसे सोचेंगे कि हमें लाना कितना है और क्या है। देखिए सब में प्लस का सिंबल लगा हुआ है, मतलब कि प्लस के सिंबल से पहले और प्लस के सिंबल के बाद जो भी संख्याएं लिखी गई हैं इनको हमें छोटा करना है किसी भी तरीके से, तभी तो 42 आ पाएगा। तो छोटा किस तरीके से हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि 9 से 4 हम सब्ट्रैक्ट कर दें 5 आ जाएंगे, 1 से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस के 5 आ जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, आंसर हमें नहीं मिला, तो माइनस वाला प्रोसेस तो हो गया। अच्छा, अब हम 9 को 4 से डिवाइड कर दें और 1 को 6 से डिवाइड कर दें, या 6 को 1 से डिवाइड कर दें और 4 को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर हम 9 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तब तो ठीक है, 10 डेसिमल में आएगा, इधर 1 को 6 से डिवाइड करेंगे फिर डेसिमल में आएगा, तो आंसर हमारा डेसिमल में है नहीं, तो मतलब कि डिवाइड वाला भी नहीं हो सकता। आप क्या करना है, ऐड करके देख लेते हैं, 9 और 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएंगे, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 13 और 7 मिलके हो गए 20, लाना था 42 तो ये भी नहीं हुआ। अब क्या करना रह गया लास्ट में, हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा के देखें, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा के देखें, फिर ऐड करके देखें, तो 9 इंटू 4 की मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे कितना आ जाएगा, 36, 1 और 6 की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 6, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 94 प्लस 16 लिखा है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली शर्त तो इस पे लग गई, बात यह है कि ये वाली शर्त इस पर भी लगनी चाहिए, और जब इन दोनों पर सेम शर्तें लग जाएंगी तो उसी शर्त के अनुसार हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, 9 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6 किया और हमें आंसर मिल गया 36 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना, 42। बारी आई दूसरे की, 89 प्लस 23 की, तो 8 इंटू 9 किया प्लस 2 इंटू 3 किया, देखते हैं कितना आता है, 9 अट्ठी कितना हो गया 72 प्लस 3 दूना 6, 72 और 6 कितना हो गया 78, ये भी आंसर मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाली शर्त इस न्यूमेरिकल में लगानी है और हमें फाइनल जवाब मिल जाएगा। लगा के देख लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या करेंगे, 6 इंटू 3 करेंगे, 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, तो 6 3 जा 18 प्लस 5 4 जा 20, ये कितना आ जाएगा 38। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरा न्यूमेरिकल है, यदि 2 स्टार 6 इज इक्वल टू 32, 7 स्टार 4 इज इक्वल टू 27, 7 स्टार 6 इज इक्वल टू फाइंड करना है। ऑप्शन आपके सामने है 73, 37, 67 और 42। स्टार वाले न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लगभग लगभग हर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसको हमें अपने हिसाब से मैनेज करके फिर आंसर लाना है। सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि जोड़ घटाना गुणा भाग, तीन चीजें, क्या चीजें देखेंगे, क्या 32 या 27 आ रहा है, तो 2 और 6 की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आएंगे, 2 इंटू 6 की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आएंगे, गलत हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 1/3 आ जाएंगे, गलत हो गया, 2 माइनस 6 करेंगे माइनस 4 आ जाएंगे, ठीक, 2 प्लस 6 करेंगे 8 आ जाएंगे, कुछ नहीं लगा। इसका मतलब है अब हमें अपना कुछ खुराफाती दिमाग लगाना है, और वो खुराफाती दिमाग क्या है, सीधा सीधा देखिए इन सवालों की प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में, ये हमेशा नए सवाल पूछे जाते हैं, आपको अपना खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होता है किस तरीके से आप कर पा रहे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं या कोई और पढ़ा रहा है आपकी जो बुक में है वही परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। देखिए 2 स्टार 6 बराबर 32 लाना है, हमें एक चीज दिखाई पड़ रही है कि 2 हमारे पास है, 2 हमारे पास है, 7 स्टार 4 में हमें एक चीज दिखाई पड़ रही है कि 7 हमारे पास है, ठीक है, दोनों में एक चीज दिख गई कि पहला वाला जो डिजिट है वो लास्ट में लिखा गया है, दोनों के लास्ट में, मतलब कि हमें दूसरा वाला डिजिट क्या है, कैसे निकाला गया है ये पता करना है। तो अगर हम इस 6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 आ जाएगा। अब क्या किया हमने, जो हमारा डिजिट दूसरे वाले डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर मिला था वो, और जो हमारा डिजिट
पहला वाला था वो उसके बाद में लिखा तब 32 मिला। यही शर्त हम इस पे लगाएंगे, देखना ढंग से। इसको हम क्या करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले को जितना आएगा लिख लेंगे। 2 2 जा 4, पहला वाला डिजिट इस वाले सॉल्यूशन के लास्ट में लिख देंगे, मतलब इकाई का अंक बना देंगे, 27 आ गया। ठीक, इसका मतलब शर्त लग रही है, तो बस उसमें भी यही लगाना है। 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है ये, तो हम ये पहला, ये वाला जो अंक है ये पहले लिखेंगे, और जो लिखा हुआ है इसमें वो हम बाद में लिखेंगे, यानी कि जो उसका पहला अंक है वो बाद में लिखेंगे। क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 से डिवाइड किया, जो भी अंक मिला उसको हमने बनाया दहाई का अंक, जो हमारा दहाई का अंक था उसको बनाया इकाई का अंक। 2 से डिवाइड किया, जो भी मिला उसे बनाया दहाई का अंक, जो अंक हमारा दहाई में था उसको हमने बना दिया इकाई का अंक। सब में यही किया और आंसर भी मैच हो गया, कौन सा, बी वाला। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है बी सी डी बराबर 6 9 1 2 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार ई एफ जी किससे संबंधित होगा। तो जब भी इंग्लिश अल्फाबेट के न्यूमेरिकल आपको दिखाई दें, आपको सबसे पहले जो अपना दिमाग भेजना है वो उस उन अंकों के प्लेस वैल्यू पर भेजना है कि उनका आंकिक मान होता क्या है, सीधी सीधी सी बात। चलिए सबसे पहले यही करेंगे, इसमें कुछ भी गलत तरीके नहीं लगाने हैं। बी सी और डी, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, सी की प्लेस वैल्यू होती 3, डी की प्लेस वैल्यू होती 4। ये बराबर किसके आ रहा है, 6 9 और 1 2। ठीक, तो हम देख रहे हैं क्या 2 3 4 से हमें ये अंक प्राप्त होंगे, अभी देखने से तो नहीं प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर 2 का रिलेशन हम 6 से निकालें, 3 का रिलेशन हम 9 से निकालें और 4 का रिलेशन हम पूरे 12 से निकालें, किससे निकालें, 12 से, तो दिख जाएगा कुछ ना कुछ, यानी कि बी का रिलेशन 6 से होगा, सी का रिलेशन 9 से होगा और डी का रिलेशन 12 से होगा। तो 2 में जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से तो आ जाएगा 6, 3 में जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा 9, 4 में जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा 12। यानी कि जो न्यूमेरिकल दिया गया था वो हमें उनकी प्लेस वैल्यू में 3 3 से गुणा कराने पर प्राप्त हो रहा है, तो बस यही लॉजिक दूसरे में लगा देंगे। तो ई एफ जी, ई की प्लेस वैल्यू 5, एफ की प्लेस वैल्यू 6, जी की प्लेस वैल्यू 7। 5 × 3 इज इक्वल टू 15, 6 × 3 इज इक्वल टू 18, 7 × 3 इज इक्वल टू 21, 15 18 21, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है कि जब कभी भी इस टाइप के न्यूमेरिकल दे तो आपको उन लेटर्स के आंकिक मान की सहायता से ही सॉल्व करना है, अदरवाइज आप अपना दिमाग लगाते रहोगे सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। जब तक आप उनकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे, दिए गए लेटर्स का प्लेस वैल्यू आप नहीं लिखेंगे, तब तक कि आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। बात आ गई सखा समझ में। चलिए बढ़ते हैं चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। समझिए, केपी दिया गया है, एलओ दिया गया है, एमएन एनएम, ये 4 दिए गए हैं, पांचवा आपको है बताना। पांचवा इन चारों में से कोई एक होगा, ओएल एलओ ओपी ओओ। देखिए अब अल्फाबेट ही है लेकिन इसमें प्लेस वैल्यू का काम कहीं नहीं है, क्योंकि कहीं भी डिजिट लिखे गए ही नहीं है, तो फिर हम लगाएंगे प्लेस वैल्यू की ही मदद से, लेकिन निकालेंगे हम इनका लेटरिक वैल्यू। ठीक है, तो पहले वाले का रिलेशन हमेशा पहले वाले से देखना, इस वाले का रिलेशन इस वाले से, इस वाले मतलब पहले, जो भी पहले डिजिट आ रहे हैं उनका आपस में रिलेशन, और जो बाद में आ रहे हैं उनका बाद में, अगर कोई और लेटर लिखा होता तो हम उसका उसके बाद में देखते। ठीक है, तो के आ रहा है, एल आ रहा है, एम आ रहा है और एन आ रहा है। K की प्लेस वैल्यू 11, L की प्लेस वैल्यू 12, M की प्लेस वैल्यू 13 और N की प्लेस वैल्यू 14। यानी कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि हमें जो अब नंबर प्राप्त होगा वो 15वें प्लेस पे क्या होता है, वो प्राप्त होगा। तो 15वें प्लेस पर सीधे सीधे क्या होता है, O होता है, O मिल जाएगा। चलिए दूसरा वाला पोर्शन देखते हैं क्या है, P है, O है, N है और M है। अब देखिए P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16, O की प्लेस वैल्यू कितनी होती, 15, N की प्लेस वैल्यू कितनी, 14, M की प्लेस वैल्यू 13। मींस अगली बार हमें 12वें नंबर वाला लेटर लिखना है, घटते हुए क्रम में है, तो घटते हुए क्रम में है, 12वें प्लेस पर कौन सा आता है, L आता है, तो इसका मतलब कि अगला लेटर क्या होगा हमारा, L होगा। फाइनली जवाब क्या निकलेगा, पहले लेटर के अकॉर्डिंग हम चले तब हमें क्या मिले, O, और जब हमने दूसरे वाले का सॉल्यूशन निकाला तो हमें क्या मिला, L, मतलब कि हमारा आंसर क्या, A, O, L ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Q
कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो और एग्जाम में रीजनिंग पूछी गई हो, रीजनिंग में इस टाइप का न्यूमेरिकल ना पूछा गया हो, तो फेरे पूरे नहीं होते। मतलब कि संपन्न होता है समारोह जब इस टाइप से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, पूछा ही जाएगा 100%। कैसे करेंगे ये देखना है और यही सोचना है। 63 का रिलेशन 80 से, 80 फिर समानुपातिक चिन्ह लगा हुआ 120 और फिर अनुपातिक चिन्ह निकालना है, क्या आएगा। ऑप्शन है आपके 125, 143, 170, 180। देखिए इस तरीके से हम दो डिजिट से तीसरे डिजिट पे, आंसर भी हमें तीसरे डिजिट पे लाना है, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग वाला ऑप्शन नहीं होगा, कुछ अलग लगेगा। ये लिखा हुआ है 63। देखिए प्रैक्टिस करके जाइएगा, विदाउट प्रैक्टिस एग्जाम में जाएंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। ये 63 लिखा, ये 80 लिखा, ये 120 लिखा। देखिए इसके लिए आपकी बहुत सारी बेसिक चीजें तैयार होना काफी जरूरी है। अब मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि 63 जो ये लिखा हुआ है, अगर ये एक और कदम आगे बढ़ता तो 64 हो जाता, 80 ये लिखा हुआ एक कदम और आगे बढ़ता तो ये 81 हो जाता, ये 120 लिखा एक कदम और आगे बढ़ता तो ये 121 हो जाता, और इन सबके हमें स्क्वायर है पता, रूट, स्क्वायर रूट हमें पता है, यानी कि 63 प्लस 1 किया तो मिला हमें कितना 64, और 64 परफेक्ट स्क्वायर किसका है 8 का। इसी तरीके से 80 में प्लस 1 किया तो मिला 81, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, ठीक। इसी तरीके से हमने 120 में 1 जोड़ा तो मिला हमें 121, 121 किसका स्क्वायर है 11 का, यानी कि इधर लिखा है 8 का स्क्वायर, इधर लिखा है 9 का स्क्वायर, इधर लिखा है फिर 11 का, मतलब अगला नंबर 12 के स्क्वायर से प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखना कैसे प्राप्त होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 144, यही आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो हमें एक जोड़ने पर प्राप्त हो रहा था, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसमें हम एक जोड़ें और फिर हमें 144 प्राप्त हो, तो वो संख्या कौन सी है 143 है, वो संख्या क्या है 143 है, 143 में एक ऐड कर देंगे तो 144 मिल जाएंगे, मतलब कि जवाब आपका बी वाला सही होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जल्दी जल्दी के चक्कर में आके 144 और इस टाइप से जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उनमें इस तरह की छोटी छोटी गलतियां मत करिएगा, ये नंबर बहुत कीमती होते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जी, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा।